कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। आज कुनिहार में पूर्व प्रधान राजेंद्र ठाकुर के द्वारा हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। इसको लेकर करके कुनिहार स्थित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने राजेंद्र ठाकुर को भाजपा द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किए जाने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जारी प्रेस व्याम में भाजपा के जिला सह मीडिया प्रभारी इंद्रपाल शर्मा ने इसके लिए उपस्थित सभी लोगों की ओर से इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि राजेंद्र ठाकुर के भाजपा में आने से भाजपा अर्की मंडल में नया संचार होगा तथा पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी तथा आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कई भारी जीत मिलेंगी। इस अवसर पर हाटकोट के प्रधान जगदीश अत्री और उप प्रधान रोहित जोशी, प्रमुख समाज सेवक आरपी जोशी, चेतराम तन्व, ओप प्रकाश गर्ग, सुशील शर्मा, देवेंद्र कुमार कौशल, गोपाल कृष्ण, हरिदास, गोविंद चौधरी, श्यामानंद, गोपाल शर्मा, रामचंद्र, भवानी शंकर, हीरालाल चंदेल, बाबूराम, रामचंद्र, नवनीत शर्मा, अविनम झाजी इत्यादि शामिल रहे। नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। मैं चाय दे दी। कुनिहार के समाज सेवी और पूर्व में प्रधान रहे और अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए श्री राजेंद्र ठाकुर जी का आज यहाँ उनके आवास पर आकर के कुनिहार के भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कुनिहार हाटकोट पंचायत के जनप्रतिनिधि, इन सबके द्वारा जो है यहाँ इनके आवास पे आके इनका स्वागत किया गया और इनकी नियुक्ति के लिए हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का अत्यंत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने श्री राजेंद्र ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया है। इनकी नियुक्ति से भारतीय जनता पार्टी अर्की मंडल को, जहां पार्टी को बहुत ही शक्ति मिलेगी और इसके साथ ही जो आगामी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अर्की मंडल से पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। ये बहुत ही कर्मठ कार्य करता रहे हैं। इनके आने से पार्टी जो है, विशेष करके अर्की मंडल जो है भाजपा का, बहुत सशक्त होगा और लोकसभा चुनाव में यहाँ से भारी बहुमत जो है सभी प्रयास करेंगे। इनके माध्यम से मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छी लीड जो है अर्की से देगी। हम पुनः इनको यहाँ आकर के जो हमने बधाई दी, इनका हम स्वागत करते हैं, पुनः इनका आभार व्यक्त करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 राजेंद्र ठाकुर जिंदाबाद, 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 राजेंद्र ठाकुर जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बिंदल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।